Hello, all the students of English literature. Welcome you all. So without wasting the time a single second, let's start our first lecture based on the history of English literature periods. So students, it's very important to know the periods of the English literature, because without knowing it, without knowing the background of these periods, it is somewhere very difficult to understand the history and the characteristics of the literature of that period. So the data which I have written is from the M.H. Abrams. It's absolutely authentic. You can write it, you can note it, and you can write it in the examination also, because the book of M.H. Abrams is one of the most noted book for the authentic periods. So let's start. So the first period, as you can see here, I have written Old English period. Old English period, which was started from 450 to 1066. Old English period, 450 to 1066. Next, after the Old English period, our second period is Middle English period. Middle English period जो चलता है 1066 to 1500 तक चलता है. तो इस वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिफरेंट राइटर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज, बट इन दिस वीडियो आई विल टेल यू ओनली द डेट्स एंड द नेम ऑफ द पीरियड. सो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द TGT, PGT एंड फॉर द MA एंट्रेंस क्लासेस एंड सम मटीरियल्स ऑफ द ग्रेजुएशंस ऑल्सो. सो द मिडिल इंग्लिश पीरियड 1066 to 1500. Third is Renaissance period, which is a very important period in the history of English literature, 1500 to 1660. Actually, in many books, when you will read, you find different dates about this period. But I just once again want to just tell you that these all the dates are from M.H. Abrams, so you can completely believe on it. Okay, next, Neo Classical period. The Neo Classical period, 1660 to 1785. Next is Neo Classical के बाद आता है Romantic period. Romantic period ये होता है 1785 to 1832, एंड आफ्टर द रोमांटिक विक्टोरियन पीरियड. विक्टोरियन पीरियड इज फ्रॉम 1832 टू 1901. 1832 टू 1901 एंड एडवर्डियन पीरियड, दैट इज कॉल्ड आफ्टर द विक्टोरियन पीरियड. एडवर्डियन पीरियड कम्स, which date is 1901 to 1914. The next is modern period, 1914 to 1945, and post modern period is 1945 onwards. It's going on. There is similarity. How to remember it? I want to tell you. आप यहाँ पे देखो, ये जो डेट है यहाँ पे आई है, तो देयर इज ए सीक्वेंस, देयर इज ए सीक्वेंस. आप ऐसे याद कर लो, 450 टू 1066, देन ये 1066 यहाँ पे आया. आप देख रहे हो ओल्ड इंग्लिश पीरियड 450, तो दिस शुड बी, ये जो सीक्वेंस है आप जरा से याद करोगे तो इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो फिर से एक बार हम लोग जो है इसको दोहरा लेते हैं. अब ओल्ड इंग्लिश पीरियड की शुरुआत 450 से होती है और ये चलता है 1066 तक. फिर उसके बाद आता है मिडिल इंग्लिश पीरियड,
जो कि 1066 से 1500 तक चलता है। फिर उसके बाद आता है रिनेशा पीरियड, और रिनेशा पीरियड 1500 से 1660 चलता है। और उसके बाद नियो क्लासिकल पीरियड आता है, और नियो क्लासिकल पीरियड 1660 टू 1785 चलता है। और रोमांटिक पीरियड, नियो क्लासिकल के बाद रोमांटिक, रोमांटिक इज 1785 से 1832। फिर उसके बाद विक्टोरियन पीरियड आता है 1832 टू 1901। फिर एडवर्डियन पीरियड 1901 टू 1914। एंड देन मॉडर्न पीरियड आता है 1914 टू 1945, एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड 1945 के ऑनवर्ड्स। ओके, तो फॉर मॉडर्न एज पीरियड, मिडिल एज पीरियड, रिनेसा पीरियड, क्लासिकल पीरियड, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, एडवर्डियन पीरियड, देन मॉडर्न पीरियड एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो इन दिस वीडियो आई विल स्टॉप, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन कि रिनेसा पीरियड कितने पीरियड में डिवाइड था, फिर उसके बाद न्यू क्लासिकल के और रोमांटिक पीरियड और विक्टोरियन पीरियड, ये दो चार पीरियड्स हैं, इनके कुछ सब पार्ट्स भी हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो ट्राई टू जस्ट लिसन इट, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द प्रीसियस सजेशन यू जस्ट राइट इन योर कमेंट बॉक्स, एंड देन आई विल ट्राई टू इम्प्रूव एंड इम्प्रूव। थैंक यू वेरी मच।